प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हल्द्वानी से। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कोरोना के विस्फोट की ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पाल नर्सिंग कॉलेज के 93 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हल्द्वानी से आ रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के पाल नर्सिंग कॉलेज के 93 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बीते दो दिनों में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए शहर में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। तो वहीं शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक जगहों पर प्रशासन के द्वारा सैंपलिंग की जा रही है और लोगों को लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की सलाह दी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हल्द्वानी से आ रही है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हल्द्वानी से। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कोरोना के विस्फोट की ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पाल नर्सिंग कॉलेज के 93 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हल्द्वानी से आ रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के पाल नर्सिंग कॉलेज के 93 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बीते दो दिनों में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए शहर में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। तो वहीं शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक जगहों पर प्रशासन के द्वारा सैंपलिंग की जा रही है और लोगों को लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की सलाह दी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हल्द्वानी से आ रही है। देखिए, हल्द्वानी में कल से लेकर आज तक लगभग 150 के आसपास लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से अधिकतर जो हमारा पॉल कॉलेज है वहाँ जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं ये अधिकतर इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 93 है इनकी संख्या। और इस एरिया में लगातार और भी सैंपलिंग कराई जा रही है हल्द्वानी में। इसके अतिरिक्त 5 माइक्रो कंटेनमेंट आज हम लोगों ने बनाए हैं, जहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए सैंपलिंग कराई जाएगी। दो दिन में मैंने आपको जो आंकड़ा बताया है, लगभग 250 के आसपास हमारे यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसको लेकर सावधानी के रूप में पहले तो यही है कि हम संक्रमण के लिए लगातार सैंपल बहुत अधिक बढ़ाएं। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश भी दिया है कि सैंपल बढ़ाया जाए, जिसको लेकर हम लोग अभी इसमें रोस्टर जारी कर रहे हैं। जो माल हैं, जो बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ हम सैंपलिंग कराएंगे।